इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एलसीएम और एससीएफ किस तरह से निकाला जाता है। अगर आपके पास कोई कंप्लीट नंबर है, यानी कि पूरा नंबर है, पूर्णांक है, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 30, इस तरह के अगर आपके पास नंबर हैं तो इसे आप इजीली जोड़ या घटा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसे नंबर हों जो बटे के रूप में दिए हों, यानी कि फ्रैक्शन में दिए हों, यानी कि भिन्न के रूप में दिए हों, तो आप उन नंबरों को जोड़ या घटा नहीं पाएंगे जब तक आपको एलसीएम निकालना नहीं आता होगा। और कई ऐसे बड़े बड़े सवाल होते हैं जिनमें सिर्फ आप उसका एससीएफ निकाल दीजिए तो आपके सामने उसका आंसर निकल कर आ जाता है। तो इसलिए आपको एलसीएम और एससीएफ को निकालना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे एलसीएम और एससीएफ का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। तो आइए देखते हैं और सीखते हैं इस वीडियो में कि एलसीएम और एससीएफ किस तरह से निकाला जाता है। तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया है बहुत ही इजी सा, 15, 18, 24, 27 और 36। इन नंबरों का हमें एलसीएम निकालना है और एससीएफ निकालना है। किसी भी नंबर का अगर आपको एलसीएम और एससीएफ निकालना हो तो सबसे पहले उसके फैक्टर निकाले जाते हैं। तो मैंने आपके लिए बहुत ही इजी एग्जांपल लिया है, इसके फैक्टर हम देख कर ही लिख सकते हैं। तो फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड कहा जाता है। 15 के फैक्टर अगर हम करेंगे तो कितना कर देंगे, 3, 5। यानी कि 15 को कैसे, किन ऐसे छोटे से छोटे नंबरों में हम तोड़ सकते हैं जिसका मल्टीप्लाई करके 15 आ जाए। तो 15 को हम 3 और 5 में तोड़ सकते हैं, 3 और 5 का मल्टीप्लाई करिए, 3, 5 या 15। यानी कि आपको पता चल गया कि फैक्टर किसे कहा जाता है, उस नंबर को जिस भी छोटे से छोटे नंबरों में तोड़ दीजिए और मल्टीप्लाई करके उतना ही नंबर आ जाए, उसी को इंग्लिश में फैक्टर और हिंदी में गुणनखंड कहा जाता है। ये बहुत ही इजी एग्जांपल है, इसलिए हम इन सभी का फैक्टर सिर्फ देख कर लिख सकते हैं। लेकिन हो सकता है आपके सामने कोई बड़ा नंबर आ जाए और उसका फैक्टर आप देखकर ना लिख पाए। तो आखिर फैक्टर किस तरह से निकाला जाता है, पहले आप वो समझ लीजिए। हम इसी में से 36 को ले ले रहे हैं और उसका फैक्टर देखेंगे किस तरह से निकाला जाता है, अगर आप देखकर फैक्टर नहीं लिख पा रहे हैं तो। तो सबसे पहले आप 36 यहाँ लिखेंगे, उसके बाद इस तरह से लाइन खींचेंगे और इसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा नंबर 1 होता है, लेकिन 1 से डिवाइड नहीं करेंगे, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है पूरा पूरा तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो 3 से ट्राई करेंगे, उससे भी नहीं डिवाइड हो रहा है तो 4 से करेंगे, लेकिन अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है। इसलिए सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करके चेक करेंगे। तो 2 को डिवाइड कीजिए, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का पहला 1 बार पढ़ा, 2 आया, लेकिन यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 1 इसके साथ आ गया, एक जो बचा वो इसके साथ आ गया, ये 16 हो गया। तो 2 का पहला कितने बार पढ़ेंगे, 16 आ जाए, 2 8 जा 16, तो 36 18 बार में कट गया, यानी कि 36 2 से 18 बार में डिवाइड हो गया। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो यहाँ पर आप डिवाइड करके देख लीजिए, जो नंबर बाहर लिखा है वो बाहर लिखिए और जो अंदर है वो अंदर लिखिए और इसको डिवाइड कर लीजिए। अब हम 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, इसको घटाएंगे 1 बचा, इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया था 1 बचा वो इसके साथ आ गया, ये अगला नंबर उतार लेंगे 60, ये 6 तो ये 16 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो कुछ नहीं बचा। यानी कि आपने देख लिया कि 36 को 2 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा कट गया। तो अगर पूरा पूरा कट जा रहा है 2 से तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो अगले नंबर से ट्राई करेंगे 3 से, उससे भी नहीं कट रहा है तो 4 से कटेंगे अगर शेष फल बच रहा होगा तो, और अगर कट जा रहा है तो ठीक है। तो सबसे पहले 2 से ट्राई कर लिया, 18 आ गया। यहाँ पर मैं आपको एक बात ये भी बता दूँ, इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच द वीडियो ऑफ डिवाइड बाई जैक सर, नाउ यू कैन वॉच दैट वीडियो बाई विजिटिंग द चैनल ऑफ जैक सर, एंड ऑल्सो यू कैन गेट दैट वीडियो बाई सर्चिंग टर्म ऑन यूट्यूब By divide by Jack sir. Now listen this. यहाँ पर फिर से हम सबसे छोटे नंबर से ट्राई करेंगे, 2 से ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर 2 से कट रहा है तो ठीक है, 2 का पढ़ा हमने 9 बार पढ़ा, 2 9 जा 18, देखिए 9 बार में पूरा पूरा कट गया। यहाँ पर फिर से आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, 18 लिखेंगे, यहाँ ऐसे करेंगे, 9 बार पढ़ा पढ़ेंगे, 18 आ गया, कट गया पूरा पूरा। यानी कि जो आंसर आया है आपका वही आपको यहाँ नीचे लिखना है। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, यानी कि पूरा पूरा कटेगा नहीं, लास्ट में 1 बच जाएगा शेष, इसलिए हम अगले नंबर 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 से कर रहे हैं तो 3 से कट जाएगा, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा तो 9 आ गया, फिर यहाँ पे 3 से ट्राई करेंगे, 3 3 1 जा 3, ये भी पूरा पूरा कट गया, लास्ट में 1 आ गया, इसका मतलब इसका कंप्लीट हो गया है। और ये जो इधर साइड में नंबर आए हैं
2236, यही 36 के फैक्टर है, यानी कि 36 को हमने इन छोटे छोटे नंबरों में तोड़ दिया और इनको मल्टीप्लाई करके 36 आ जाएगा। इसी को इंग्लिश में फैक्टर और हिंदी में गुणनखंड कहा जाता है। दो का मल्टीप्लाई टू में करिए, दो दुना चार, चार तिया बारह, बारह तिया 36, यानी 36 आ गया। तो आपको पता चल गया कि फैक्टर आखिर में किस तरह से निकाला जाता है। अब आपके सामने कोई भी बड़ा नंबर हो, कोई भी नंबर हो, आप उसके फैक्टर इस तरह से निकाल सकते हैं, और अगर डायरेक्ट देख कर लिख सकते हैं तो भी लिख लीजिए, और अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। अब हम इसे इरेज करते हैं और हम इन सभी नंबरों का फैक्टर लिख ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इजी एग्जांपल है, हम इसका देखकर ही फैक्टर लिख सकते हैं। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है। यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं 15, उसके बाद कितना है 18, उसके बाद 24, उसके बाद 27, फिर 36, ये लिखा हुआ है और इनके फैक्टर हम लिखते हैं अब, ठीक है। अब फैक्टर लिखते हैं इसके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 36, यहाँ लिखा हुआ है 24, तो 24 कैसे आएगा, 15 यहाँ लिखा हुआ है, इन सबको फैक्टर में पहले हम लिख ले रहे हैं। 24, 12 दुना 24 होता है, 12 दुना 24, तो 2 × 2 × 2 × 3, देखिए 2 दुना 4 दुना 12, 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 तिया 24, यानी 24 इसका फैक्टर आ गया। अब हमें 27 का अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, हम इसके देख कर अगर लिख सकते हैं तो लिख लेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ 36 लिखा हुआ है, 36 कैसे आता है, 6 × 36, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 × 3 × 2 × 2। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए इधर उधर करके लिख रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ 18 लिखा हुआ है, 9 दुना 18 होता है, 9 दुना 18 यानी कि 3 × 3 × 2, 3 तिया 9 दुना 18, ये 18 आ गया। 15 कैसे आता है, 3 × 5 = 15, यहाँ लिखेंगे 3 × 5। अब देखिए सबका हमने लिख लिया है फैक्टर, 3 × 5 = 15, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 2 × 2 = 4, 4 × 8, 8 × 3 = 24, 3 × 9 = 27, 2 × 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, यानी कि सभी के फैक्टर हमने सही से लिख लिए हैं। अब इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए ध्यान से, मैंने इसको दूर दूर इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। इसका एचसीएफ कैसे निकाला जाता है वो देख लीजिए। एचसीएफ इसका हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ कैसे आएगा, जो सभी नंबरों में जितने भी नंबर दिए हैं उनमें से अगर कोई भी आपको एक फैक्टर अगर कॉमन मिल जाए, यानी कि कोई भी गुणनखंड कॉमन मिल जाए, तो वही उसका एचसीएफ होता है। अगर आप इस पूरे नंबर में देखिए, यहाँ से हमने ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा था इस तरह से, ठीक है। तो देखिए ये आपको 3 जो है वो सभी नंबरों में कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ, 3 यहाँ, इसलिए सिर्फ इसका एचसीएफ जो है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर 5 भी कॉमन होता सभी में, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते 5 लिख देते, अगर 5 कॉमन होता तो, लेकिन कॉमन नहीं है इसलिए हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3 हमें कॉमन मिला है। तो जो नंबर सभी नंबरों में कॉमन हो, जो भी फैक्टर, वही उसका एचसीएफ होता है। तो आप समझ गए एचसीएफ 3 आ गया। लेकिन मान लीजिए अगर 3 भी कॉमन ना होता, इसमें कोई भी नंबर कॉमन ना होता, तब आप मान लेते अपने मन से कि इसमें मल्टीप्लाई में 1 लिखा है, यहाँ मल्टीप्लाई में 1 है, यहाँ मल्टीप्लाई में 1 है, यहाँ मल्टीप्लाई में 1 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई में 1 है, तब इसका एचसीएफ सिर्फ 1 आ जाता। लेकिन 1 की जरूरत नहीं है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 3 आएगा। अगर कॉमन ना मिलता तब एचसीएफ 1 होता, जो अगर कॉमन मिल गया है तो जो कॉमन है वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो अब आप समझ गए कि एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है। अब देख लीजिए एलसीएम इसका किस तरह से निकालेंगे, एलसीएम इसका किस तरह से निकालेंगे वो देख लीजिए। एलसीएम ये किस तरह से निकाला जाता है, एलसीएम में पहले आप देखिए जो सब में कॉमन हो वो सबसे पहले लिखिए नंबर। तो कॉमन कौन सा है, 3 कॉमन है, तो हमने सबसे पहले छोटे नंबर से हम ट्राई करते हैं, ठीक है, छोटे नंबर से। तो छोटा 2 है, 2 देखिए सबसे पहले यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है,
टू जो है वो तीन जगहों पर है, तीन जगहों पर, लेकिन ये वाला टू, ये वाला टू और ये वाले टू की जगह पर सिर्फ हम एक बार टू लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ हम क्या बार लिखेंगे, एक बार टू लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई लगाएंगे। उसके बाद टू देखिए यहाँ है और यहाँ है, दो जगह पर टू लिखा हुआ है, यहाँ पर दो जगह पर टू लिखा हुआ है, लेकिन इन दो जगह की जगह पर सिर्फ एक बार हम टू लिखेंगे। उसके बाद जो बचा वो फिर लिख लीजिए, यानी कि एलसीएम में जो सब कॉमन हो, किसी में है किसी में नहीं है, उसको एक बार लिखा, उसके बाद दो जगह पे कॉमन है वो लिखा, उसके बाद जो बच जाए ये फिर और कहीं कॉमन नहीं है तो इसको भी लिख लीजिए, यानी जो पहले कॉमन है वो लिखिए, उसके बाद जो बच जाए वो भी लिख लीजिए। उसके बाद अगला नंबर देखिए थ्री, ये सभी में कॉमन है तो इसको सिर्फ ये एक दो तीन चार पाँच जगह पर है, पाँच बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार थ्री लिखेंगे। उसके बाद देखिए एक दो तीन, यहाँ तीन जगह पर तीन है, ठीक है, तो हम सिर्फ एक बार फिर से थ्री लिख लेंगे। उसके बाद देखिए ये वाला जो थ्री है ये कहीं पर भी कॉमन नहीं है, यानी कि ये लास्ट में बचा हुआ है थ्री, तो ये हम लिख लेंगे। उसके बाद फाइव बचा है वो लिख लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। यानी कि एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है, जो सभी नंबरों में कॉमन हो वो एचसीएफ होता है, अगर ना कॉमन मिले तो वन उसका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या होता है, जो कुछ नंबरों में कॉमन हो या सभी नंबरों में कॉमन हो पहले वो लिखेंगे, फिर कुछ नंबरों में कॉमन है वो लिखेंगे, उसके बाद जो बच जाए उसे भी लिख लीजिए। उसी तरह से यहाँ भी जो सब में कॉमन हो वो लिखिए, फिर कुछ में कॉमन है वो भी लिखिए, और लास्ट में अगर एक ही में है सिर्फ तो उसे एक बार लिख लीजिए, उसके बाद लास्ट में जो बच जाए वो भी लिख लीजिए, और उन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ थ्री निकल कर आ गया और एलसीएम ये निकल कर आ गया है, और इन नंबरों का टू 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 थ्री 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 फाइव इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1080 आ जाएगा, यानी कि 1080 इसका एलसीएम हो जाएगा इन नंबरों का। अब मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, ये आपने इस वीडियो में सीखा है सिर्फ इसका बेसिक कंसेप्ट कि किस तरह से एचसीएफ निकाला जाता है और किस तरह से एलसीएम निकाला जाता है। आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं कि एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है, इस झंझट को करे बगैर अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो लाइन है ये 2223335 ये डायरेक्ट निकल कर आ जाए, तो अगर आप उसे भी सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं आपके लिए वो वाली वीडियो जब भी लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इन सभी झंझटों से बचकर अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट इसका एचसीएफ थ्री निकल कर आ जाए, तो कैसे निकाला जाता है डायरेक्ट एचसीएफ इन सभी झंझटों से बचकर, तो अगर वो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्द चैनल पर लेकर आ रहा हूं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो एचसीएफ की जब भी बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए आप जैक सर के साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।